हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज सोनू गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है पहाड़ों की इन हसीन और खूबसूरत वादियों से। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ दिव्येश्वरी मंदिर, जो कि उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है। आज है वहाँ पर विशाल भंडारा। गाइस, हम पहुँच चुके हैं दिव्येश्वरी मंदिर में। यहाँ से है एंट्री मंदिर के लिए। बच्चे भी आ रहे हैं मेरे साथ में पीछे से। तो इस तरफ है दिव्येश्वरी मंदिर, सामने की तरफ, और चारों तरफ का खूबसूरत नज़ारा देखिए अभी सुबह का। तो अभी मैं हूँ यहाँ पे किचन में। क्या क्या बनाए भंडारी में जानते हैं? ये आलू गोभी मटर ये सब मिक्स है। अच्छा। जी सर जी, ये खीर है देखिए। ये रावत जी और ये राहुल जी। राहुल और यहाँ देखो और क्या क्या बनाए सर? ये सब सब्जियाँ बनी है। एक आलू मटर गाजर मिक्स सब्जी है ये। अच्छा, आलू, ये आलू भी है इसमें, मटर भी है, गाजर भी है और पत्ता गोभी है, फूल गोभी जी। और अरे ये सब्जी है साहब आपकी, ये फूल गोभी, आलू और गाजर जी जी। वो पंडित की रसोई है, एक गडेरी की सब्जी हमारी वहाँ बनी हुई है। अच्छा, वो गडेरी है, मूली है, हरी सब्जी है और उसमें उसका कसूरी मेथी और अजवाइन का उसका छौंका लगा रखा जी जी। कितने लोगों के लिए ये खाना बन चुका होगा सर? ये खाना लगभग 2000 से समथिंग ऊपर ही होगा। 2000 करीब लोग खा सकते हैं। सब्जी बन चुकी है, अभी इसे उतारा जा रहा है नीचे। काफ़ी भारी डेक है, केयरफुली आराम से। तो यहाँ पे बनी है 6 डेग सब्जियाँ और एक डेग में है खीर, बाकी पूड़ियाँ हैं उधर, है गडेरी की सब्जी, यहाँ पे गूंथा जा रहा आटा। सेवा है ये, सेवा चल रही है। सेवा कितना आटा गुंथ चुका होगा अभी तक, कुछ आइडिया? आइडिया 25 क्विंटल। यहाँ पे पूड़ी बनाने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे बनाई जा रही है पूड़ियाँ, देखिए सभी लोग लगे हुए हैं पूड़ियाँ बनाने में, अपना अपना सहयोग कर रहे हैं। पूड़ियाँ लगातार बनती जा रही हैं यहाँ पे, इधर बन रही है प्रसाद के लिए पूड़ियाँ, देखिए पंडित जी लोगों के लिए। तो अभी यहाँ पे यज्ञ वगैरह भी चल रहा है, आपको सीधे ले जाते हैं यज्ञ की तरफ। चलिए, अभी यहाँ पे हो रहे हैं भजन कीर्तन। सर्वप्रथम व्यास पीठ से आप सभी लोगों को इस यज्ञ की मैं अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी की मनोकामनाएं माँ भगवती पूर्ण करें, ऐसी मैं सर्वप्रथम माँ भगवती से कामना करता हूँ। तो अभी हो रहे हैं यहाँ पे कन्या पूजन, कन्या पूजन चल रहा है ना। सबसे पहले गणेश,
तो कन्याओं के पांव धोने के बाद अभी टीका लगाया जा रहा है सभी को। प्लेट्स दी जा रही है सारी कन्याओं को, प्लेट्स और टिफिन। अभी कन्याओं को दक्षिणा दी जा रही है, गुरु जी बांट रहे हैं दक्षिणा। तो अभी बांटा जा रहा है यहाँ पे कन्याओं को प्रसाद, पूड़ियाँ सब्जी वगैरह। सबसे पहले कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उसके बाद जो है भंडारा शुरू होता है। कन्या पूजन हो गया पूरा, कन्या पूजन हो गया है जी जी। आज पारायण है, बहुत खुशी हो रही है। ऐसा मौका मिलता रहे, बार बार नहीं मिलता, ऐसा मौका मिलता नहीं है। क्या क्या मिला गिफ्ट में? हमको सूट मिला, टीशर्ट मिला, प्लेट मिला और पैसे मिले। तो सभी बच्चे खुश हैं, अच्छा हो रहा है। और आप लोग खिला रहे हैं, सब कोई आनंद ले रहे हैं प्रसाद का। भागवत बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। कन्या पूजन के बाद यहाँ पे भंडारा भी शुरू हो चुका है, विशाल भंडारा। अभी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, कैसा हो रहा है प्रसाद? ठीक हो रहा है। कैसा हो रहा है प्रसाद? भक्ति प्रेम से मन हो वे भगवो, राग द्वेष से चित्त मेरा तो भागे दो, राग द्वेष से चित्त मेरा तो सौभागे दो। सही हो रहा है प्रसाद, बढ़िया, बहुत बढ़िया बने प्रसाद, बहुत बढ़िया बढ़िया। मंदिर का प्रसाद रहा, बहुत बढ़िया रहता है, आनंद आ रहा है ना, आनंद। यहाँ पर भंडारा लगातार जारी है, पूड़ियाँ भी बन रही है। तो यहाँ पे मंदिर के लिए लोग लकड़ियाँ भी ला रहे हैं घर से, क्योंकि जो खाना है ना वो पूरा आग में बन रहा है। तो यहाँ पे भंडारा अभी भी चालू है, सभी भाई लोग लगे हमारे सेवा में। माता की सेवा बढ़िया हो रही है, माता की कृपा है, माता रानी की कृपा, सही चल रहा है, बढ़िया। हमारे हमारे लगे हैं पूरी बनाने में, मेहनती भाई हमारे, बहुत मेहनती है, कितना बात है। सभी क्षेत्रवासी जो है और हमारे यहाँ मनुला ग्राम सभा के जितने भी लोग भी सब्जी काट रही थी, और सुबह से ही बनाने का कार्यक्रम चालू हो चुका था। माँ दिव्येश्वरी की काफ़ी कृपा रही है, मैं अपने जो पंडित लोग हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ इस प्रसाद बनाने के लिए। हमारे राजंदा कांडवाल जी, पाठक जी और ठाकुर साहब, उस्ताद जी, देदानंद जी और काफ़ी गणमान्य व्यक्ति हैं जो जिन्होंने इस प्रसाद को बनाने में अपना काफ़ी समय और मेहनत लगाई है, जिससे कि काफ़ी अच्छा तो ये प्रसाद होगा माता का। फिर से यहाँ पे आटा गूंथा जा रहा है, हर महादेव। दोस्तों अभी मैं दिव्येश्वर मंदिर में, इस तरफ है दिव्येश्वर मंदिर, देखिए ये शिव मंदिर है, ये गुफा में बना हुआ मंदिर है पूरा, देखिए ऊपर गुफा है। ओम नमः शिवाय। ये है गोमती नदी, देखिए we'll be right back.
दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं वापस मंदिर से। तो आज के इस व्लॉग को करते हैं ये एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हिमालयन राइडर। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।